Hind, good morning and once again welcome back in the lecture of organization of commerce and management. I'm your educator Adhanik, Welcome you all, 11th Standard Student, in the third lecture of chapter number 6, Forms of Business Organization, Part 2. So, students, hope you all have visited to the last two lectures of our sessions where we have discussed about the cooperative society, their characteristics and their advantages. Take care. Now we are going to discuss about their limitations or the weaknesses. What the what limitations were cooperative societies having? So we'll start from the number one limitation for capital. Apart from cooperative society, अभी तक हमें इतना तो पता चल ही गया है कि जो cooperative society है, उसका aim यानी उसका जो लक्ष्य है, वो ज़्यादा फायदा पाना या profit कमाना नहीं होता। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर जनरली अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो कोई भी इसमें पैसा लगाए क्यों यानी कैपिटल हमेशा रेस करने में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है इसीलिए जो मेंबर्स होते हैं क्योंकि वो मेंबर्स जनरली मिडिल क्लास पोअर क्लास से हैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है ठीक है शायद इसी वजह से कैपिटल को जनरेट करना इस बिज़नेस का एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट है ड्रॉबैक है सेकेंड जो लिमिटेशन यहाँ देखने को मिलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का दैट इज़ लैक ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट सी द पीपल वर्किंग और द पीपल दोज हुव मेन मेंटेनिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी वो लोग जनरली स्किल्ड भी हो सकते हैं अनस्किल्ड भी हो सकते हैं ठीक है ठीके? क्योंकि इसमें कोई क्रिटीरिया नहीं है मेंबर्स के जुड़ने की कि आपके पास कोई स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी व्यक्ति इसमें जुड़ सकता है तो जो भी व्यक्ति इसमें जुड़ता है इसका मेम्बर बनता है ठीक है इस तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो उसका इनफिशियंट होना थोड़ा सा लाजमी हो जाता है थोड़ा सा क्यों क्योंकि उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो अगर उसमें स्पेशलाइज नॉलेज नहीं है बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है तो उस वो प्रॉपर टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा है तो मिसमैनेजमेंट होने के जो चांसेस हैं ग्रुपिज्म होने के जो चांसेस हैं और पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं ठीक है तो दिस इज़ द सेकंड ड्रॉबैक एंड द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी देन पॉइंट थ्री जो बोल रहा है आपसे वो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ठीक है तो जैसा हमने सेकेंड लेक्चर में देखा था कि गवर्नमेंट ऑलवेज असिस्ट सच काइंड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी राइट तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली वो थोड़ा सा बढ़ जाता है ठीक है और इस तरीके से वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के तरीके का कारण वो इस बिज़नेस को थोड़ा सा क्या करते हैं जियो पैराडाइज कर लेते हैं यानी थोड़ा इन्फ्लुएंस कर लेते हैं यानी वो अपने अकॉर्डिंग इस तरीके की कोपरेटिव सोसाइटी को थोड़ा यूज़ करते हैं जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि अपने फ़ायदे के लिए ये पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं कि ऐसी जो कॉपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको थोड़ा सा Uh, अपने हिसाब से यूज़ करती हैं जिससे कैसे उनको पॉलिटिकल फ़ायदा हो सके ठीक है चाहे उन्हें वोट को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर कस्टमर्स uh, को कन्वेंस करने के लिए कस्टमर्स नहीं सिटीजन्स को कन्वेंस uh, करने के लिए ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं जो ड्रॉबैक्स uh, हैं कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पॉइंट फोर बोल रहा है कि नॉन कॉपरेशन अमॉन्ग दम्बर्स ठीक है तो जितने भी मेम्बर्स हैं वो सारे अगर सारे कॉपरेटिव नहीं होंगे नाम वैसे इसका कॉपरेटिव है बट अगर वो कॉपरेटिव नहीं होंगे इन केस ठीक है कोई डाउट होगा कोई डिस्कॉर्ड हो गया कोई कंफ्लिक्ट हो गया या फिर कोई ग्रुपिज्म बन गया या कोई सेल्फिश पर्सन आ जाता है बीच में तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई और सब लोग कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रहे हैं कॉमन इंटरेस्ट मतलब एक ही लक्ष्य के लिए काम नहीं कर रहे तो जो भी कॉपरेशन से उन्हें बेनिफिट मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिलेगा ठीक है तो ये एक दो धारी तलवार है कि अगर इफ़ यू आर हैविंग अ कोऑपरेटिव मेंबर्स देन यू विल फ्लॉरिश्ड बट इफ़ यू आर नॉट हैविंग सच कोऑपरेटिव मेंबर देन यू विल बी डाउनफॉल ठीक है तो ये चार ही बड़े लिमिटेशंस हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के बच्चों तो याद रखिएगा लिमिटेड कैपिटल इनएफिशेंट मैनेजमेंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड नॉन कॉपरेशन अमॉग द मेंबर्स ठीक है आई होप सभी लोगों को अच्छे से पता चल गया है कि कॉपरेटिव सोसाइटी क्या होती है क्योंकि अब हमने उसके कैरेक्ट्रिस्टिक्स एडवांटेजेस और लिमिटेशन सब देख लिए हैं अब हम बढ़ रहे हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी बच्चों जितना बड़ा उसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी उसी उतना ही बड़ा इसका काम भी उसका रीज़न ये है क्योंकि जैसे ही मैं आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के बताऊँगा आपको पता चल जाएगा फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि इट जनरली इन्वॉल्व इन अ वेरी लार्ज टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज ठीक है यानी अगर बड़े स्केल पर अगर कोई बिजनेस करना है ठीक है तो सबसे बड़ा बिजनेस जो होगा वो ध्यान दिया जाए तो वो यही निकल कर आता है दैट इज़ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी क्योंकि लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस करते हैं ये लोग ठीक है लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन मीन सौदा बड़ी अमाउंट में टू टू आंटिसिपेट फॉर डिमांड ठीक है तो जब हमारे देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई किसी भी देश में उसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है ठीक है मैं मानता हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप एक बड़े लेवल तक का बिजनेस कर सकते हैं लेकिन जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है जो लिमिटेड कैपिटल है उस ये सारी चीज़ों का जो बेनिफिट है ठीक है कहीं ना कहीं ये मिल जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी को क्योंकि ये सब कुछ लिमिटेशन है सोल so, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की क्योंकि उनमें लाइबिलिटी ज़्यादा होती है कैपिटल वो ज़्यादा नहीं लगा सकते शॉर्ट लाइफ होती है ठीक है तो ये सारे जो मेन लिमिटेशंस है सोल प्रोप्राइटरशिप के और पार्टनरशिप के वो सारे के सारे एडवांटेजेस बन जाते हैं यहाँ पर कॉपरेटिव सॉरी जॉइंट स्टॉक कंपनीज के क्यों क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली चीज़ सिक्योरिटी इन कैपिटल्स होती है ठीक है सिक्योरिटी इन कैपिटल मतलब क्या हो जा रहा है कि सिंपल है जो भी कैपिटल यहाँ लगाई जाएगी वो सिक्योर्ड वे में होगी क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग पैसा लगा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पैसा लग रहे हैं तो पैसे का हिसाब हर चीज़ का ज़्यादा रहेगा ठीक है इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइबिलिटी एंड रिस्क वो भी इवनली होगी लोगों के बीच में जिसने जितना पैसा लगाया और जो भी लोग इसमें पैसा लगाते हैं ठीक है जो भी आ, इसमें इन्वेस्टर्स होते हैं वो सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक बात कह सकते हैं कि आ, जो मनी है वो उनसे सब काम करवाता है सो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ हैव गॉट द रैपिड मूवमेंट ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ कंपनी फॉर्म ठीक है यानी तेज़ी से ट्रेड और इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी इंडिया में खासकर उन्नीस में ठीक है नाइनटीन में इंडिया में अगर मैं बात करूं कंपनीज एक्ट लागू हुआ और जो अभी का कंपनीज एक्ट है स्पेशली 2013 का ये बुक प्रिंट है तो उसी के हिसाब से बता सकता हूँ एक इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो वाइफरगेट कर दी गई हैं रिलैक्सड कर दी गई हैं कंपनीज़ के लिए सो दे कैन दे कैन डू बिज़नेस एंड वेदर इट इज़ मल्टी नेशनल कंपनीज और नेशनल कंपनी दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट टू ठीक है फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट एंड गिव अ बेटर सर्विसज फॉर द द टू कंपनी टू द नेशन ठीक है तो बच्चों जॉइंट स्टॉक कंपनी इन शॉर्ट एक शॉर्ट में अगर हम कहें तो बड़े लेवल पर काम करने वाली वो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं ठीक है और ज़्यादा बड़े लेवल पर बिजनेस को करती है चाहे वो एक या देश हो या एक से ज़्यादा देश हो तो भी तो आइए इसका मीनिंग और डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग ठीक है इसका मीनिंग की अगर हम बात करें तो कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है ठीक है आर्टिफिशियल मतलब क्या हुआ कि ये एक बनाया गया व्यक्ति है ये कोई नेचुरली uh, एग्जिस्ट नहीं करता ये एक वी कैन से दैट इज नेचुरल एग्जिस्टेंस को ना गिनकर ये आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस है इंसान द्वारा बनाया गया ठीक है बिकॉज इट इज़ डन बाय एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ कानून बना इसलिए ये चीज़ मान्य है तो कंपनी मीन्स टू कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट ऑफ एनी फॉर्मल एक्ट जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 1956 से लेकर दो अभी तो 2020 चल रहा है इन सब में जो कंपनीज एक्ट है उसमें उस सारे कंपनीज एक्ट में जो भी नॉर्म्स दिए गए नियम कानून बनाए गए उसके अनुसार ही आपको कंपनी बनाने की जो परमिशन है वो मिलती है ठीक है अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो आप लीगलाइज नहीं हो तो आप अपने आप को जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं कह सकते ठीक है बच्चों तो आइए देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक तो आपको और अच्छे से ये समझ में आने लगेगा पहला कैरेक्टर बोल रहा है जो लीगल पर्सनैलिटी जैसा कि मैं अभी आपको कह रहा था कि इस बिज़नेस का सबसे पहले लीगल होना बहुत ज़रूरी होता है लीगल कब होगा जैसे कॉपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड होकर लीगल हो जाती है उसी तरह कंपनी भी रजिस्टर्ड होकर जिसमें उसका नाम उसका कॉन्ट्रैक्ट और सारी चीज़ें मैंशनड होती हैं जिससे क्या होगा कि उसे एक लीगल पर्सनलिटी एक लीगल एग्जिस्टेंस मिल जाता है इसके अलावा सेम पॉइंट जो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखा परपोचुअल एग्जिस्टेंस वो भी इसमें होगा यानी किसी के रहने से या ना रहने से कंपनी जो है वो बंद नहीं होगी वो ऑन गोइंग होगी चलती रहेगी ठीक है पॉइंट थ्री जो बता रहा है यहाँ वो है डिवीजन ऑफ कैपिटल इन स्मॉल फ्रैक्शन ठीक है यानी भली बाहर से देखने में जॉइंट स्टॉक कंपनी एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन वाली कंपनी लगती है लेकिन उसमें जो कैपिटल होती है जो निवेश हो रहा है वो किसी एक या फिर ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा नहीं, बहुत सारे लोगों के द्वारा होता है और इसके अलावा भी वो अपने शेयर्स को इशू करते हैं मार्केट में शेयर होल्डर्स के लिए चाहे वो इक्विटी हो प्रेफरेंस हो और इसके अलावा भी अगर पैसा कम पड़ता है तो वो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स भी इशू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक बहुत बड़े लेवल पर काम करती है लेकिन फिर भी उसकी जो शेयर्स हैं उसके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो छोटे छोटे यानी स्मॉल फ्रैक्शंस में मिलते हैं ठीक है तीसरा ईजी ट्रांसफ़र टू शेयर यानी अगर किसी शेयर होल्डर्स को सडनली ये विचार आता है कि किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी का शेयर उसके पास है और उसे वो बेचना है या फिर किसी को देना है तो आप वो इजीली उसे दे सकते हो अपने नाम से उसके नाम पे उस शेयर को ट्रांसफ़र करवा के बाय द कंपनी ऑफ लॉ ठीक है क्योंकि ये सब कानून के दायरे में आता है इसके अलावा जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी उसकी कॉमन सील होगी कॉमन सील होगी मींस क्या होगा कि जहाँ भी वो कंपनी होगी चाहे एग्ज़ाम्पल लेते हैं डेली या फिर बैंगलोर उसका जो सील होगा उसका जो मार्क होगा ट्रेड मार्क वो सेम ही होगा चाहे वो कंपनी कहीं पर भी हो आउट ऑफ इंडिया भी क्यों ना चली जाए तो भी उसका ट्रेड मार्क जो होगा वो ऑलमोस्ट सेम ही हर कंपनी का होता है जिसे हम कॉमन सील कहते हैं इसके अलावा मैनेजमेंट की जब भी हम बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में तो वो बहुत ही हाईली इफेक्टिव होती है हाईली इफेक्टिव मीन्स क्या हुआ क्योंकि अकॉर्डिंग टू एम ओ ए इज़ एम ओ ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड ए ओ ए आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन यानी ये दोनों कानूनों के अंतर्गत हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर से लेकर ठीक है लास्ट सुपरवाइज़र तक जितने भी लोग रखे गए हैं चाहे वो बीओडी हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सीए हो सीईओ हो वो सारे इफ़ेक्टिव लोग रखे जाते हैं ताकि कंपनी को वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाए और उनके होने से कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो इसके अलावा पॉइंट सेवन जो आपको बोल रहा है दैट इज़ द स्टेटस ऑफ मेम्बर ठीक है यानी हर मेंबर का प्रॉपर स्टेटस होता है इसमें नीदर अ मेंबर केम इन टू अ कंट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी नॉर अ कंपनी कैन बी लाइबल फॉर अ एक्ट ऑफ मेंबर ठीक है यानी दोनों से देखा जाए तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होते ठीक है कंपनी कंपनीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और मेंबर्स अपने शेयर होल्डर्स शेयर्स जितना शेयर उनके पास है उसके लिए ही रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर एग्जाम्पल द मैनेजमेंट एंड ओनर आर सेपरेट ऑल्सो कंपनी इज़ अ लीगल एंटिटी लीगल एंटिटी मीन्स कंपनी की अपनी एक अलग पहचान हो जाती है बट अ मेंबर केम इन टू कॉन्ट्रैक्ट विद अ कंपनी और जो मेंबर्स जुड़े हैं कंपनी से वो कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जुड़े हैं ठीक है ठीके? तो कंपनी और मेंबर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो दोनों की जो कहीं ना कहीं लाइबिलिटी है वो अलग हो जाती है जैसा सोल प्रोपराइटर में हमने देखा कि सब कुछ उसके ऊपर आ गया ऐसा नहीं होगा इसमें ठीक है तो सेपरेट आइडेंटिटी है हर मेंबर का अपना एक स्टेटस होता है पॉइंट एट बता रहा है आपको द नंबर ऑफ मेंबर्स ठीक है तो जो प्रॉब्लम्स पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटर एच यू एफ में हमने देखी यहाँ तक तो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी इतना ज़्यादा नंबर्स का प्रॉब्लम नहीं होता जॉइंट स्टॉक में तो बिल्कुल भी इसका कोई इशू होने वाला नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि मिनिमम टू मैक्सिमम नंबर टू हंड्रेड तक रहता है और मिनिमम अगर आप चाहें तो सात मेंबर्स के से भी किसी भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं यानी अगर आपको कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलनी है तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा नंबर होगा कि मिनिमम टू एंड मैक्सिमम टू हंड्रेड पीपल कैन वर्क विद यू एंड यू कैन वर्क विद दम ठीक है एंड ओपन एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी विच कैन प्रोड्यूस अ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन इसके बाद पॉइंट नाइन जो बोल रहा है आपसे कि लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स एंड लाइबिलिटीज ऑल द मेंबर्स दोज हु ज्वाइंट इधर सम ऑफ देर हैविंग लिमिटेड एंड सम ऑफ देर वैविंग अनलिमिटेड रीजन उसका क्या है कि जो लोग हायर लेवल पर काम कर रहे हैं हायर पोस्ट पर काम कर रहे हैं वो लोग जनरली ये चीज़ जरूर देखते हैं कि भाई उन्होंने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया है वो हाई पोर्ट पर काम कर रहे हैं तो उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो लाइबिलिटी है वो भी ज़्यादा हो जाती है और जो मिडिल लेवल पर लोअर लेवल पर काम कर रहे हैं वो लेवल्स जॉइंट स्टॉक कंपनीज में इतना ज़्यादा लाइबल नहीं होते सो द लाइबिलिटी ऑफ द मेम्बर आर लिमिटेड एंड कैन बी अनलिमिटेड इट इज़ स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी जो कंपनी द्वारा लिखित रूप में दस्तावेज़ बनाया जाएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसमें ये सारी चीज़ लिखित होगी रिटर्न होगी कि कौन से मेम्बर्स को लिमिटेड लाइबिलिटीज रहेगी और कौन से मेंबर्स के लिए अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ रहने वाली है तो हम कह सकते हैं कि अनइवन होता है ठीक है यानी इसमें आप डिफरेंट देख सकते हैं पॉइंट नाइन जो है वो बोल रहा है कि लाइबिलिटीज़ ऑफ मेंबर्स देखा हमने पॉइंट टेन बोल रहा है फंडामेंटल राइट्स ठीक है यानी जो हम मौलिक अधिकार हम बात कर रहे हैं जो कंपनी के अंदर दैट इज़ जनरली अ कंपनी गेट्स अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बाई लॉ जैसा कि हमने देखा कि हर कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद अपनी एक खुद की पहचान बना लेती है अपनी खुद की एक सेपरेट आइडेंटिटी बना लेती है बट अ कंपनी इज नॉट अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री भली उसकी आइडेंटिटी हो गई है लेकिन वो एक नागरिक नहीं बन सकती एक सिटीज़न नहीं बन सकती कंट्री का हमारे देश का हिंस द कंपनी हैज़ नो फंडामेंटल राइट एज एंजॉयड एज सिटीजन तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि कंपनी को किसी भी तरीके का कोई फंडामेंटल राइट right हमारा जो मिलता नहीं आई होप सबको पता होंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स दैट ठीक है राइट्स ऑफ एक्सप्रेशन राइट टू इंफॉर्मेशन राइट टू एजुकेशन सो जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन तो सारी जितनी भी राइट्स हमारे हैं वो सारे राइट्स एज अ सिटीज़न हमें मिले हैं अब ये जितनी कंपनीज खुलती हैं भले इनका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो लेकिन फिर भी इन कंपनीज़ को ये फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं ठीक है बच्चों देन आता है लास्ट पॉइंट पॉइंट नंबर इलेवन वोटिंग राइट पर शेयर जैसा हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखा कि वहाँ पर वोटिंग का अधिकार होता है अपने इलेक्टेड मेंबर्स को चुनने का अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का वैसा ही यहाँ भी है मेंबर्स ऑफ द कंपनी कैन कास्ट अ वोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ देयर शेयर दे होल्ड मतलब क्या है यहाँ वोटिंग तो हो रही है लेकिन उनके शेयर की मान्यता और क्रेडिटिबिलिटी उतनी ही रहेगी जितने उनके शेयर का वेट है मतलब जिसने ज़्यादा स्टॉक अपने पास रखे हैं जो ज़्यादा परसेंटेज के मालिक हैं उनका जो वोट है वो हाईली प्रेफर्ड होगा कंपेयर टू द पीपल हु आर हैविंग लो शेयर इन द कंपनी ठीक है यानी इसमें कहीं ना कहीं एक बायर्सनेस भी आप इसे कह सकते हो या फिर एक ऐसा एजेंडा कह सकते हो जो फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं है तो इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि भाई कॉपरेटिव सोसाइटी है वो एक डेमोक्रेटिक वे में काम करने वाला एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है वहीं जो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो थोड़ा सा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कह सकते हो आप उसे ठीक है क्योंकि बड़े लेवल पर काम हो रहा है फिर भी वोटिंग राइट right का पर शेयर यहाँ भी आपको मिलता है ठीक है लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना परसेंट शेयर होल्ड करते हो ठीक है तो आई होप सभी लोगों को जॉइंट स्टॉक कंपनी भी अच्छे से पता चल गया है ठीक है ये सारे के सारे जो एलेवन पॉइंट्स यहाँ आपको दिए गए हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं ठीक है क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये पूरा चैप्टर जो है वो, वो आपकी फाइनल एग्जाम्स में रखा गया है तो बच्चों अब तक हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं एक बार जल्दी से उस पर नज़र डाल लेते हैं कि अप टू सेकेंड लेक्चर हम लोगों ने यानी पिछले लेक्चर में कॉपरेटिव सोसाइटी एडवांटेजेस लिमिटेशन देख लिए थे अभी के थर्ड लेक्चर में हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी के कैरेक्ट्रिस्टिक्स एडवांटेजेस देख लिए हैं अगले वीडियो में यानी फोर्थ लेक्चर में हम लोग लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की कौन से लिमिटेशंस हैं सबसे बड़े हैं। और इसके अलावा जो हम मेन चीज़ अगले वीडियो में बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ कंपनी यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी केवल एक तरीके की कंपनी नहीं होती उसमें भी अलग अलग प्रकार के टाइप्स होते हैं जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में चार टाइप्स दिए हैं स्ट्रेटेजरी कंपनी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स एंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंट्रोल ठीक है इसके अलावा फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्लेस एंड रजिस्ट्रेशन तो ये चार टाइप्स भी हम अगले वीडियो में देखेंगे इसके साथ बचे हुए बाकी जो तीन पॉइंट्स रहेंगे कि कैसे कंपनी फॉर्म की जाए यानी अगर हम देखते हैं कि कंपनी को फॉर्म करने का क्या प्रोसेस होता है जैसे मैंने अभी आपको एम ओ ए और ए के बारे में बताया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन हम उसके बिना पर जानेंगे कि कैसे कंपनीज को फॉर्मुलेट किया जाता है इसके साथ साथ हम कुछ डिस्टिंग्विश भी देखेंगे जिससे आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा जैसे हम अगर आपका अभी भी कन्फ्यूजन है पार्टनरशिप और कंपनी में तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है या प्रॉब्लम है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में कि सर पब्लिक कंपनीज़ क्या होती हैं कैसे काम करती हैं और प्राइवेट कंपनीज़ क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं तो आपके लिए अगला जो वीडियो है जो अगला लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो आप सभी को वो मिस नहीं करना है लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी में और कॉपरेटिव सोसाइटी में यानी जो अभी तक हम हॉट हाँ फेवरेट टॉपिक पढ़ते आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या डिफरेंस है वो भी हम अगले लेक्चर में ज़रूर जानेंगे ठीक है बच्चों तो थैंक यू सो मच आपने अपना समय मुझे दिया उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया है पता लगा है ठीक है जो चीज़ें हमने डिस्कस की है शायद कोई कन्फ्यूजन हो तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से ज़रूर देखना अपने डाउट्स को मार्क करना नीचे कमेंट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना वी विल गेट बैक टू यू सून टिल देन बी हैप्पी टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ And thank you so much. Che him.